बियर मार कहाँ लिखे में नजर आया ना। लास्ट लेक्चर में ऐसा समझो सीधे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऐसा आयोटा जो हाईएस्ट पावर के साल की कई कुछ ऐसा प्रॉपर्टी समझी थी। अज मां तांगे कुछ समसाल पर से कर दस तो आकर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में केड़ा क्लास समझी सकन ता उन्होंने ऐसा की डील करी पर सब का पहले ऐसा रूट में जिके माइनस में नंबर होगा ना उन्होंने के ये साल करे काफी दफा केड़ा सब में चेचेस में अच्छी चुका है। फॉर एग्जांपल ऐसा के अंडर रेडी कम में एक और नंबर आया हुआ है -16 आईने के ऐसा के कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लिखो आए ट्रांस को लिखो आए तसा की हिसाब करा एकड़ी गाल हमेशा पहले जहन में रखे चलो जद हब रूट में अंदर को नंबर माइनस में अचे तो माइनस खत्म करने लाए असा बाहर आयोटा लिखी चिंता थी यानी कि इस 16 फैल जाती है और बाहर हमने के आयोटा अच्छी माना माइनस खत्म थी गई। हाँ 16 का रूट साल करो तो 16 का रूट क्या थी 4 थी तो जवाब थी 4 आयोटा अड़े किस्म जहाँ थोड़ा सारा समय तवे सामू अची सकन था अड़ा समय इलाई दफा एंट्री टेस्ट में आया बन फॉर एग्जाम्पल माइनस बी चाहे बराबर थी तो पुट ये बी आयोटा के बराबर थी हीड़ो तरीको हो कॉम्प्लेक्स नंबर जो जैसे साल करके समझाया छोड़ो हमेशा याद रखे छोड़ो तो रेडिकल में अंदर जैसे अब माइनस में को नंबर हों तो उनकी माइनस खत्म करने लाइ बहर अस आयोटा डी चाहिए तो रेडिकल जो जो जवाब हों ग रखी अस जवाब फाइंड कर सकता बो एक शे है तो कदें कदम असी है तो एक्स प्लस वाई आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तुम्हें चवे तो इनको कॉन्जुगेट कड़े क्वाड्रेट में ला करें तो और इतने अक्सर स्टूडेंट भूजी पाता है छो तो इनको कॉन्जुगेट है वो थी तो एक्स माइनस वाई आयोटा इट मीन्स एक्स असो पॉजिटिव है वाई असो नेगेटिव है ते चार क्वाड्रेट्स मौजूद हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ही चार क्वाड्रेंट है पुट ही जो लाइन है यह है एक्स एक्सिस की लाइन ही जो लाइन है यह है वाई एक्सिस की लाइन तो वाई एक्सिस जो मध्य साइड होंगी वह पॉजिटिव होंगी हेठ होंगी वह नेगेटिव होंगी एक्स एक्सिस में जो राइट साइड होंगी वह पॉजिटिव होंगी जो इन पास होंगी वह नेगेटिव होंगी है हाँ तुम दसो जैसे असो तो कॉन्जुगेट किया एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव यानी कि एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव तो हम कड़े क्वाड्रेंट में ला करो फोर्थ क्वाड्रेंट में ला करो या सारी शूं ट्रिग्नोमेट्री में समझाई तो कि असें खबर पे तो कड़ा रेशो इन क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव नेगेटिव है इन में तक अंदाज लगी वो यानी कि जो वही पूछे इफ एक्स इज लेस देन जीरो y is greater than 0 in which quadrant this lie and x less than i y greater than i then x negative i y positive i yo second quadrant mein lie kar do sari tarah sa to aage jekar question achi hai to minus x minus y iota ekro sa ke complex number given hai इन कॉन्जुगेट कड़े क्वाड्रेंट में ला करो कॉन्जुगेट लिखे न हों तक अंदाजो लगानो है तो इनको कॉन्जुगेट कड़े क्वाड्रेंट में ला करो तो कॉन्जुगेट कड़े क्वाड्रेंट में ला करो पुट हि साम माइनस जो रो कॉन्जुगेट में असें खबर आ सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज थी ये माइनस एक्स प्लस वाई आयोटा यानी कि एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव अगेन इन लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट देन स्टूडेंट हि है तो कड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर कड़े क्वाड्रेंट में लाए कर समझ में अची वो हाँ तक शायद समझा तुम कोशिश कर समझ की फैक्टोराइज इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि जो मिलन आज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फैक्टोराइज कर छाजे बराबर थी तो पुट इन में हमेशा याद रखो तो सेकंड टर्म के असा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा रहा है माइनस आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराइंदी यो सो तेन में सोचो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर ताने ही डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर थी जैसे फैक्टोराइज इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सोचे या तुम्हें चवे इनको जवाब फाइंड करेटा हेठ कॉम्प्लेक्स नंबर जहाँ होजन तो समझी वो जो फैक्टोराइज इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो पूछा करो हाँ जो हि जो टर्म है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर उनमें खबर है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी जो ए माइनस बी आयोटा ए प्लस बी आयोटा हि जो जवाब पर जर ती ब्रेकेट हुए तो इनका जवाब वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनमें कदम कड़ा टर्म्स अची जैमें स्टूडेंट भूजी पाता हाँ असा थ्री ए बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हाँ इनके स्विच कर सेट तो कहता छो तो असर है थ्री ए बी स्क्वायर माइनस
टी स्क्वायर पाई पाई स्क्वायर है ना, जो डिफरेंस आपको स्क्वायर करना है। अरे थ्री पुट ऑलरेडी स्क्वायर चला, इतने स्टूडेंट्स काफी मुझे पता नहीं था, वही थ्री एट लिखेगा, थ्री ऑलरेडी स्क्वायर चला, कैन जो स्क्वायर देना अंडर रेडी कर थ्री थी, तो धान ऐसा रखना ए माइनस बी ए प्लस बी आर उठा पड़ना, तो ए जीरो अंडर रेडी कर थ्री एम माइनस टी आई उठा, वही सागर तरह सा अंडर रेडी कर थ्री एम प्लस टी आई उठा, ही सू कॉम्प्लेक्स नंबर इन्हें कहते हैं वो है फैक्टराइज इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी कोई जरूरी टॉपिक है, बट ये अचानक सवाल है चीज का स्टूडेंट अक्सर भूल ही पता है, पर ये क्वेश्चन है जो 8x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, अब आने लगे फैक्टराइज को इन का जवाब छ चीज तो आसान है, 8 कने कने अंडर इक्वल 8 लिखा लूंगा, कने कने 2 अंडर इक्वल जो अंडर इक्वल के जवाब दो 2 अंडर इक्वल है, जवाब छ दो 2 अंडर इक्वल 2x माइनस 3 y आयोटा आई बे ब्रैकेट में 200 इक्वल टू x प्लस 3 y आयोटा। ये जो वो टॉपिक है वो टॉपिक तो तुम्हारे के ही बड़ी टॉपिक है समझ में अच्छी भी आऊंगा, कोशिश करो तहां पाण भी नते थोड़ा सारा समझाने किताब में मौजूद है तहां पाण रे सुजु चाबी ले सारा को किताब होना उन तक कोशिश करो ही टॉपिक खणी इन जा संसार करने की कोशिश करो कोई तहां के समझ में चलो एंट्री में वो समझ दो तो तुम घणे का घणा क्वेश्चन सॉल्व करो वो घणे का घणा एंट्री दे ग्रिप कास्ट कर सको पोटेंशियल मा पाने इन चैनल दे तवा जे लाइ बायोलॉजी जा केमिस्ट्री जा फिजिक्स जा लेक्चर रखा दोस्त को हुए इस एमसीक्यू जा मिलन या टॉपिक सब्जेक्ट जा मिलन ता उनन के फॉलो कजो आई पजी पढ़ाई जारी रख जो आई लेक्चर कंप्लीट दिसता जो तने तो सही नमून सा सीख सका दो पंज दोस्तन के भी आतन जी जो तो कंप्लीट लेक्चर सदा कर पूरा सा तवा जलाई मेहनत के होला जगर तवा मेहनत न कदो ता सा मेहनत ये रायगा नहीं दी उम्मीद तवा की समझ में अच्छी वे दी मेहरबानी।